आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए तरीके से मेथी के पराठे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए हमारे पराठे जो है मेथी के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिल्कुल नए तरीके से मेथी के पराठे बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है मेथी, जिसे हमने अच्छी तरह से 4 से 5 पानी धोकर और इसे हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है, बारीक कट करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसे मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, तेल हमने 3 चम्मच के करीबन लिया है, और इसमें डालेंगे जीरा और इसे हम भून लेंगे। हल्का ब्राउन होने पर इसमें हम डालेंगे मिर्ची और इसे भी हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे हम भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए नमक हमने डाल दिया है। चलिए इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं, ताकि हमारा प्याज जो है थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे मेथी और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि मेथी जो है हमारी गल जाए। मेथी को हम 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे, इसे चलाते हुए भुनेंगे हम, ताकि मेथी जो है हमारी जल्दी से गल जाए। चाहे तो आप इसे ढक भी सकते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेथी जो है गल गई है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम आटे के अंदर निकालेंगे। यहाँ मैंने आटा लिया है कटोरे के अंदर, इसके अंदर हम डालेंगे मेथी और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। देखिए अब हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। इसका डो जो है हम गुनगुने पानी से तैयार करेंगे। हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, उसी पानी से ही हम डो इसका तैयार करेंगे। आटे की तरह इसे सॉफ्ट एक डो तैयार करेंगे। यह देखिए हमारा डो जो है तैयार हो गया है, आटा को हमने गूंथ लिया है। चलिए अब हम लोई तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा टुकड़ा आटे का, यह देखिए। चलिए इसे हम बेल लेते हैं। लोई को हम सर्कल शेप में बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तेल। आप इसके ऊपर घी, तेल, सरसों का तेल कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे फोल्ड कर देंगे एक साइड से और इसके ऊपर भी हम तेल लगा लेंगे। इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे। यह देखिए पराठे के शेप में हमारा तैयार हो गया है। चलिए इसे हम बेल लेते हैं। इसे हम तीनों साइड से बेल लेंगे। यह देखिए हमने पराठे की तरह इसे बेल लिया है और इधर उधर हमने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए पराठे को हमने बेल लिया है, तवा जो है हमारा गर्म हो गया है, हमने पराठे को इसके ऊपर डाल दिया है। चलिए इसे पलट लिए हैं हमने। अब हम इसके अंदर लगाएंगे तेल। इसके अंदर चारों तरफ से हम तेल लगा देंगे बराबर और फिर से हम पलट लेते हैं इसे और इसके ऊपर भी हम तेल लगा लेंगे। इसको दोनों साइड से हम पलटते हुए अच्छी तरीके से सेक लेंगे पराठे को, ताकि पराठे जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे सिक जाए। यह देखिए हमारे मेथी के पराठे जो हैं तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, चलिए ये देखिए सिक गए हैं मेथी के पराठे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए एक और पराठा बना लेते हैं। इसे इसके ऊपर भी हम तेल लगा लेंगे। आप लोग ज़रूर एक बार ज़रूर इसे बनाकर खाइएगा इस तरीके से।
ये बहुत ही इजी, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं पराठे तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे आपके ये पराठे और टेस्टी भी लगेंगे। आप चाहे तो और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पराठे जो हैं दोनों साइड से सिक गए हैं। ये देखिए, चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पराठे जो हैं बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक